वेलकम ब्रिलियंट पेंट सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द वीडियोस एंड काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियोस। अगर आपको बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो भी इसका बेनिफिट अवेल कर सके। अब हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में। हम कवर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लास 10 ज्योग्राफी, मीन्स विनिर्माण उद्योग, 10th क्लास का चैप्टर ज्योग्राफी से। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को कवर किया, जिसके अंदर आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री और शुगर केन इंडस्ट्री को हमने कवर किया कि वो कहाँ कहाँ पर होती है और उनको डिफिकल्टीज क्या फेस करनी पड़ती है। इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर हम करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। वो इंडस्ट्रीज, वो उद्योग जो एज ए रॉ मटेरियल मिनरल्स या मेटल्स को यूज करती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है। जैसे कोयला हो गया आपका, आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, इन सब चीजों को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है, वो इंडस्ट्रीज कहलाएंगे आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मीन्स खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। हमने जब रिसोर्सेज वाला चैप्टर किया था, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसके अंदर हमने देखा था कि आयरन ओर और कोल ये ऐसे उद्योग है जो कि एज ए बेस ऑफ इंडस्ट्रीज वर्क करते हैं। आयरन तो एक ऐसी चीज है कि छोटे से छोटे सेफ्टी पिन से लेकर बड़े से बड़े हवाई जहाज तक के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सो इट इज कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। हमारी कंट्री के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक इंडस्ट्री के लिए काम करती है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं आपके। फर्स्ट है, व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड अ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। हैवी, भारी इंडस्ट्री उद्योग इसे क्यों कहा जाता है, और बेसिक, आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। आधारभूत तो आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है, मशीनरी लोहे से बनती है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री का सेटअप कोई भी कर ले, उसके अंदर प्रोसेसिंग के लिए जो मशीनरी बनती है वो किससे बनती है, आयरन से बनती है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, इट इज द ओनली इंडस्ट्री विच लेज अ फाउंडेशन ऑफ अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। जो दूसरे उद्योग लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ये उनके लिए एज ए फाउंडेशन का काम करती है। कैसे काम करती है, मैंने आपको बताया कि जो मशीनरी यूज होती है वो किससे बनती है, आयरन से बनती है। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये फाउंडेशन का काम करती है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी सामान, जो भी यंत्र आप कहें रिक्वायर्ड होते हैं, वो सब किससे बनते हैं, हमारे आयरन से बनते हैं। आयरन से हम क्या बनाते हैं, स्टील, स्टेनलेस स्टील भी बनाते हैं। तो बहुत सी चीजें डायरेक्ट आयरन से बनती है और बहुत सी चीजें स्टील से बनाई जाती हैं। तो जैसे कि हमने देखा, कंस्ट्रक्शन में भी, इंजीनियरिंग में भी, डिफेंस मीन्स अगर हमारी आर्मी की बात करें, मेडिकल के अंदर इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोनिक और साइंटिफिक, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट हमारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आयरन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड वर्कर्स। अब जब इतना सारा काम दिया जाता है, वी कैन से कि मशीनरी बनाई जाती है इंडस्ट्री के ऊपर, तो हर तरह के लोगों को काम मिल जाता है, स्किल्ड को भी और अनस्किल्ड को भी, क्योंकि लार्ज स्केल की इंडस्ट्री है तो बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करेगी, आजकल टेक्नोलॉजिकल टूल्स बन रहे हैं, मशीनरी बन रही है एग्रीकल्चर के इनपुट्स के रूप में, तो वो भी किससे बन रहा है, आयरन से बन रहा है। अब जब इनपुट्स प्रोवाइड हो रहे हैं बेस्ट क्वालिटी के, जो कि सालों साल चलते हैं, एक बार खरीदने के बाद किसान को प्रॉफिट वो गेन करते हैं, तो ये क्या हेल्पफुल हो गई, एग्रीकल्चर के अंदर हेल्पफुल हो गई। इट इज अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की। हैवी इंडस्ट्री से क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि देखो आयरन ओर वो भी हैवी होता है, उसको निकालना, उसके अंदर अशुद्धियां होती हैं। अब उसका प्यूरिफिकेशन का काम जिस जहां पे होता है, फर्नेस के अंदर जहां पे होता है, वो भी एक लार्ज स्केल का बड़ा काम होता है, और उसको बर्न करने के लिए जो फ्यूल चाहिए, दैट इज कोल मेनली यूज किया जाता है, वो भी क्या होता है, बल्कि होता है।
थर्डली अगर लास्ट स्टेज पे बात करें तो जो प्रोडक्शन होता है इस इंडस्ट्री के अंदर हल्का भी होता है लेकिन बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हल्के होते हैं बट मोस्टली क्या होते हैं, हैवी होते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ हैवी इंडस्ट्री. सेकेंड क्वेश्चन का भी आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है. ठीक है, क्लियर हो गया. यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन रेज होता है आपका, व्हाई डज छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. जो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड है, ये लोकेटेड है, वो छोटा नागपुर प्लेटू के एरिया के अंदर ही है, जो कि बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ का एरिया कवर करता है. ऐसा क्यों है, ये वहां पे ही क्यों एस्टेब्लिश हुई? हमने लोकेशन फैक्टर्स देखे थे किसी भी इंडस्ट्री के लिए, उसके अंदर क्या बताया गया था हमें कि कोई भी फैक्ट्री का सेटअप करने से पहले देखा जाता है कि रॉ मटेरियल पे कम से कम खर्चा आए, आसानी से अवेलेबल हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और बाकी जो इनपुट्स हैं वो भी वहां पर इजिली अवेलेबल हो जाए. अब यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट की गई, स्थापित उसको किया गया, मेनली रीजन था आयरन ओर का वहां पर मिलना और कोल का वहां पर मिलना. दोनों ही चीजें काफी अबेंडेंस में इंडिया के अंदर वहां से निकाली जाती है, मीन्स टू से आप कह सकते हैं. तो यहाँ पे मेन रीजन ये रहा था. छोटा नागपुर प्लेटू इज फेमस फॉर आयरन ओर्स, आयरन ओर के लिए फेमस है. हम मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं. द स्टेट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड झारखंड प्रोवाइड द रॉ मटेरियल. इन सब इलाकों से आयरन ओर निकलता है, रॉ मटेरियल इजीली क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है. नेक्स्ट क्या चीज चाहिए, फ्यूल चाहिए उसको प्रोसेसिंग लाने के लिए. कोल विच इज यूज एज अ फ्यूल इज अनदर इम्पोर्टेंट इनपुट एंड अवेलेबल इन दिस रीजन इन प्लेंटी. अगर आयरन ओर जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, अबंडेंट में वहां पे मिल रहा है, उसकी पहुंच है इंडस्ट्री तक, तो कोल जिसको फ्यूल के रूप में यूज करना है प्रोसेसिंग चलाने के लिए, वो भी छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर आसानी से और काफी मात्रा में और बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल है. अब बिकॉज ऑफ मोर पॉपुलेशन इन दिस रीजन चीप लेबर इज ऑल्सो अवेलेबल. बिहार, बंगाल, झारखंड के एरियाज के अंदर हमें लेबर अबेंडेंट में भी मिलती है, सफिशियंट भी मिल जाती है और चीप भी मिल जाती है, तो ये भी प्रॉफिटेबल हो जाता है वहां पे. द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स पावर टू दीज प्लांट्स. दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट की जाती है. तो कोल के अतिरिक्त सिर्फ कोयला ही तो काम में नहीं आ सकता, जो टाउनशिप डेवलप हुई है और बाकी बहुत से कामों के लिए, घरों के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो कहाँ से हमारी प्रोवाइड कर देता है, वो इसको सप्लाई हो जाती है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से. द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय कोलकाता पोर्ट. जो एक्सपोर्ट और करना पड़ता है सामान, प्रिपेयर्ड गुड्स को या प्रोड्यूस्ड गुड्स को, और जो रॉ मटेरियल या और कोई इक्विपमेंट या चीजें मंगानी पड़ती हैं इंडस्ट्री में यूज करने के लिए, तो उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो कोलकाता पोर्ट से आसानी से हो जाता है, क्योंकि नजदीक ही पड़ता है वेस्ट बंगाल वहां से. सो दीज आर द फैक्टर्स कि क्यों छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लोकेटेड है, वही एरिया क्यों चुना गया है. इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं जो कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर ही डिपेंड है. टिल देन कीप वॉचिंग.